सबसे पहले यहाँ पर जो है 3D मॉडल को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको ऊपर में लिखना है स्केच फिप, ठीक है। तो आपको स्केच फिप लिखना है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, SKETCHFAB स्केच फिप आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में सिंपल स्केच फिप की जो पहली वेबसाइट आएगी उसके अंदर आपको चले जाना है, ठीक है। इसके अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे 3D मॉडल्स फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ऊपर में सर्च बार का बटन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सर्च बार के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं हम, यहाँ पर मैंने नाइट सिटी डाउनलोड किया था तो यहाँ पर लिख देते नाइट सिटी, ठीक है। तो लिखते यहाँ पर नाइट सिटी और इसको इंटर करते हैं, ठीक है। नाइट सिटी लिख के यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देखो बहुत सारे नाइट सिटी जो है मेरे पास, बहुत सारे नाइट सिटी के मॉडल्स जो है दिखाई देने लग चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो डाउनलोड का सिंबल बना होगा ना, सिर्फ आपको उसको ही डाउनलोड करना है, वही आप डाउनलोड कर पाओगे, अदरवाइज आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो भी जिस पे भी सिंबल बना होगा सिर्फ आपको उसको ही डाउनलोड कर पाएंगे। आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे देखिए तो ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जिनको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप मन चाहे एक सिटी को उठा लेना और उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जो मैंने डाउनलोड किया ये है, वो वाला ये सिटी है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो जो मैंने यूज किया था। तो इस सिटी को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पर दिखाएगा भी आपको किस सिटी किस टाइप का है, कैसा है, वो भी आपको दिखाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो ये सिटी है जो मैंने यूज़ की थी, मैंने इसमें से ये जो ब्रिज है ना मैंने इसको हटा दिया था, बाकी चीज़ मैंने यूज़ की थी। तो आपको और स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड मॉडल लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सिंपल आपको डाउनलोड मॉडल के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड मॉडल के ऊपर में क्लिक करोगे नीचे आओगे, आप देख सकते हो OBJ फॉर्मेट है इसमें। आपको ध्यान ये रखना है कि डाउनलोड करते वक्त OBJ या फिर FBX ये दो में से और फॉर्मेट पर डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। OBJ या फिर FBX पर ही डाउनलोड करना है। तो इसको सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसको डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल सर्च बटन पे जाते हैं और स्पाइडर मैन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल मैंने लिखा स्पाइडर मैन और मैं इसको सर्च करूंगा और आप नीचे जाओ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्पाइडर मैन 3D मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने जो यूज़ किया था वो ये है, द अमेजिंग स्पाइडर मैन। तो सिंपल इसकी डाउनलोड वाली साइन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। डाउनलोड वाली साइन पर क्लिक करने के बाद इसको जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो FBX फॉर्मेट पे है, ये OBJ और FBX फॉर्मेट पे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। FBX फॉर्मेट है तो सिंपल इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अगेन ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ऊपर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये जैसे आपका ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद में सिंपल आपको चले आना है अपने मोबाइल फ़ोन के फाइल मैनेजर पे, ठीक है। फाइल मैनेजर पे आ जाइए क्योंकि आपको पहचानने में आसानी रहेगा। तो यहाँ पर सिंपल डाउनलोड वाली सेक्शन पे ये आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं द अमेजिंग करके जीप फाइल में आया हुआ है। तो इसको जो है हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो अभी क्या कर लेते हैं कि फिलहाल इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट करिए उसके बाद कॉपी करिए, आपको कॉपी करना तो आता ही होगा। तो कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा, ठीक है। न्यू फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पर रखूँगा, लिख देता हूँ MKS मनोज करके एक फोल्डर बना देते, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू फोल्डर किया और उसके बाद मैंने कॉपी कर दिया। तो फिलहाल ये क्या हुआ, न्यू फोल्डर पे ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो है हमें आसानी होगी। उसके बाद में अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको सीधा अपने फ़ोन के जेट अचम्बर को ओपन करना है। ये फ़ोन पे नहीं होगा, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा जेट अचम्बर, आप सर्च करना उसके बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल जेट अचम्बर को यहाँ पर ओपन करेंगे। जेट अचम्बर को ओपन करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए और यहाँ पर MKS मैंने अभी जो फोल्डर बनाया है वो ये फोल्डर है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो ये द अमेजिंग मैन स्पाइडर मैन जो लिखा हुआ है इस पर टैप करते और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करते तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ दिखाता है तो आपको अप्लाई टू ऑल फाइल पे टैप करना है, उसके बाद में आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जो है ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी आपके पास दो और नए फोल्डर आ चुके हैं। ये एक है आपका टेक्सचर जहाँ पे आपका स्पाइडर का टेक्सचर मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला आपका स्पाइडर का टेक्सचर वगैरह मिल जाते हैं। और दूसरा एक फाइल है आपका ये सोर्स करके, सोर्स के अंदर भी एक और जी फाइल है, इसको भी आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी एक्सट्रैक्ट करते, इसको एक्सट्रैक्ट करते आप सोर्स के अंदर देख सकते हो यहाँ पर FBX पे अमेजिंग स्पाइडरमैन यहाँ पर
एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब सिंपल एक्सट्रैक्ट हो चुका है, उसके बाद में प्रिज्मा 3D के अंदर लेके जाइए और बाकी एडिट कर। प्रिज्मा 3D के अंदर हम आ चुके हैं, अभी 3 लाइन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मिलेगा 3D इनपुट करके ऑप्शन, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3D इनपुट। तो सिंपल आपको 3D इनपुट के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद में आपने जहाँ पे भी अभी आपका मॉडल का फाइल रखा हुआ है जहाँ पे भी, उसको ओपन कर लेना है फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन कर लेना, उसके बाद में यहाँ पर इसको सिंपल इनपुट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GGOBJ करके नाम करके यहाँ पर है, तो मैं इसको इनपुट कर लेता हूँ फटाफट से। तो सिंपल इसको इनपुट कर लेंगे। इसको इनपुट करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा लोडिंग लेगा, तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेना। तो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये जो है इनपुट हो चुका है, और काफ़ी बड़ा इनपुट हुआ है कि इतना बड़ा आप यहाँ पर खो जाओगे। अभी देखो जैसे मैं जूम आउट करता जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा है, इसलिए ये पीछे की साइड से ना गायब होते जा रहा है, देखे। तो आपको क्या करना है, सिंपल जहाँ पे जीजी लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आपको इसका लेयर को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में टास्क फॉर्म पे क्लिक कर लेना आपको, ठीक है। टास्क फॉर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको नीचे जाना है स्किल में। तो यहाँ पर आपको स्किल में तीनों के तीनों 1-1 है ना, उनको तीनों के तीनों को आपको 0.1 करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पे मैं करता हूँ 0.1, और सेकंड पे भी मैं कर देता हूँ 0.1, और थर्ड पे भी सिंपल मैं रखूँगा जेड एक्सेस पे भी 0.1। अब तीनों एक्सेस, तो अब 0.1 करते हैं, आप देख सकते हैं सिटी जो है हमारा ये छोटा हो चुका है। और मैंने क्या किया था कि इस सिटी में से ये जो ब्रिज है ना, मैंने इस ब्रिज को हटाया था, ठीक है। तो मैं आप भी इस ब्रिज को हटा रहा हूँ, तो इस ब्रिज को हटा देते हैं हम। इस ब्रिज को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी ब्रिज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिलीट कर देंगे, ठीक है। सिंपल ब्रिज को सिलेक्ट किया, उसके बाद डिलीट कर दिया, और आ चुका है हमारे पास थ्री बेस सिटी। अब आपको क्या करना है कि एक एक करके इसकी जो है टेक्सचर आपको लगा लेनी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इसकी सारी की सारी फाइल अलग अलग है, जैसे ये हाउस है ये अलग है, और ये लेक है ये अलग है, और यहाँ पर छोटे छोटे से पहाड़ बने हुए हैं ये भी अलग है, ठीक है। तो इस पहाड़ को अगली साइड पे लेके आते हैं, और इस पहाड़ पे सबसे पहले टेक्सचर लगाते हैं, ठीक है। तो सिंपल टेक्सचर लगाने के लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, इस साइड को आपको मटेरियल वाला ऑप्शन दिख रहा है, मटेरियल पे टैप करना है। उसके बाद आपको टेक्सचर वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको टेक्सचर पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे भी आपने टेक्सचर को रखा हुआ है, जहाँ पे भी आपने एक्स्ट्रा किया था ना, वहीं पर आपकी टेक्सचर वगैरह सारी चीज़ मिल जाती है। तो वहाँ से जो है आपकी टेक्सचर जो है इसको ले लेना, ठीक है। ये वाला है टेक्सचर, आप नाम देख लेना, ठीक है। तो ये टेक्सचर इसका है, तो मैंने इसको लगा दिया। उसके बाद में जो ये हमारा ये जो मेन है ना, सबसे बड़ा वाटर वाला, उसको भी टेक्सचर लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट करने के बाद मटेरियल पे टैप करेंगे, उसके बाद फिर से प्लस पे टेक्सचर पे टैप करेंगे, सॉरी टेक्सचर पे टैप करेंगे, उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो ये फर्स्ट वाला है यही है, तो ये हम टेक्सचर यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको सारे में टेक्सचर लगा लेना है, ठीक है। वीडियो को कर देते थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। फाइनली गाइज यहाँ पर हमारा जो टेक्सचरिंग का काम था वो जो कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अभी डे मोड पे, इसीलिए पूरा ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो पे जो दिखाया था वो नाइट मोड पे था और 8GB था, उसको आगे जाके बनाएंगे, ठीक है। तो अभी जो ये लेग है इसको मैं थोड़ा सा इस साइड को रखना चाहूँगा। तो आप अपने सीन के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को इधर उधर मूव कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो है हर एक चीज़ अलग है, तो आप किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस लेग को जो है थोड़ा सा रोटेट करके थोड़ा सा साइड में रख दूंगा, ठीक है। तो बेहतर लगे, जो आपको जो बेहतर लगता है, आपकी वीडियो में जो भी सीन आप दिखाना चाहते हो उस टाइप से रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में सिंपल आपको ऊपर यहाँ पर 3 लाइन दिख रहा है, तो सिंपल आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद में होम पे क्लिक कर दीजिए और एक बार सेव कर लीजिए, ठीक है। तो सेव करेंगे, प्रोजेक्ट नेम देना चाहे तो आप दे देना, वरना सेव कर लेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर से प्लस पे क्लिक करके अंदर जाएंगे, उसके बाद 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, इनपुट पे क्लिक करेंगे। अब ध्यान से समझना गाइज, मैं एकदम इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अभी आपका जो स्पाइडर का मॉडल है ना, उस स्पाइडर का मॉडल आपने जहाँ पे भी रखा हुआ है, उस स्पाइडर का मॉडल को आपको यहाँ पर इनपुट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ स्पाइडर का मॉडल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आते ही यहाँ पर आपको एनिमेशन के लिए पूछेगा, यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वॉश टू इनपुट एनिमेशन। तो सिंपल आपको वहाँ पर नो क्लिक करना है, अगर आप एस क्लिक करोगे तो आपका मॉडल जो है बिगड़ जाएगा, इसलिए वहाँ पर आपको नो क्लिक करना है, ठीक है। तो आते ही ये भी काफ़ी बड़ा आएगा, तो आपको अब क्या करना है, एक बार 3 लाइन पे क्लिक करके सेव कर लेना। उसके बाद में जो ये अमेजिंग स्पाइडर लिखा हुआ ना, उसको
टैप का होल्ड करके रखना है, मतलब उसके बाद खींच के लाना है, इस बॉक्स पे छोड़ना है, ठीक है, बॉक्स पे रखना, उसके बाद सेव कर देना। आपके में सिर्फ सेव दिखाएगा क्योंकि मैंने पहले भी इसको सेव किया था उस पर, ठीक है, तो उसको सेव कर लेना। उसके बाद फिर से इसको होम पे आप चले जा सकते हो और उसके बाद आपकी जो सीन है उस सीन के अंदर जाके आप आगे कंटिन्यू काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें अपनी सीन पे जो है लाइटिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। अब मैंने RGB लाइटिंग क्रिएट की थी तो उस टाइप की लाइटिंग क्रिएट करनी है, तो आपको ऊपर में 3 लाइन दिख रहा है, 3 लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद रेंडर पे क्लिक करना है, रेंडर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे लाइटिंग मिलेगा, उस पर नाइट करना है, ठीक है, नाइट कर देंगे। उसके बाद क्यूब के ऊपर में क्लिक करेंगे, ऊपर तो क्यूब के ऊपर में क्लिक करेंगे, उसके बाद लाइट दिख रहा है आपको कैमरा के साइड में, तो लाइट पे क्लिक करेंगे, जो लाइट है हमारा वो ऐड हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लाइट की सेटिंग देख सकते हैं। तो लाइट के कलर पे जाते हैं, कलर पे जाने के बाद जो भी आप कलर देना चाहे लाइट की, ठीक है, तो सिंपल उस कलर को दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रेड रख रहा हूँ। और उसके बाद में अब कलर को सेट कर लेने के बाद यहाँ पर इंटेंसिटी जो है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे अराउंड 276 तक, ठीक है, आप चाहे तो ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। उसके बाद रेंज पे जाएंगे, रेंज पे जाने के बाद रेंज पे हम लिखेंगे 50, तो आपको मेरा सजेशन है कि आप भी रेंज को 50 रखें, उससे ऊपर ना रखें, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आप जहाँ पे भी लाइट को रखना चाहे वहाँ पर सेट कर देते हैं। उसके बाद में लाइट सेट हो जाने के बाद लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉफ़ी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये कॉफ़ी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लेकर रखते हैं और एक काम करते हैं कि लाइट पर क्लिक करते हैं और लास्ट में जो शैडो है ना शैडो को 100 कर देते हैं, ठीक है, शैडो इनेबल होगी तो लाइट रियलिस्टिक लगेगी, ठीक है, तो दोनों की जो शैडो है उसको 100 कर देते हैं यहाँ पर, इसको भी कर देते हैं यहाँ पर 100। चलो अब दोनों 100 हो चुकी है, अब लाइट को आपको कॉफ़ी करना है, उसके बाद जो भी कलर देना चाहे आप वो करना है, ठीक है, तो अब लाइट पे टैप करना है, सॉरी हाइड नहीं करना था, लाइट पे टैप करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कॉफ़ी वाला बटन दिखेगा, तो सिंपल आपको कॉफ़ी करना है, कॉफ़ी करके अब यहाँ पर आप मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ब्लू कलर का लाइट हो, ठीक है, तो आप जिस भी कलर का करना चाहे उस कलर का कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एरो दिख रहा होगा एक, तो सिंपल आपको एरो पे टैप करना है, उसके बाद आप रेंडम कलर सेलेक्ट कर पाओगे, चूज कर पाओगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्लू रख रहा हूँ परफेक्टली, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेट करूँगा। इसी चीज़ करते हुए आपको जो है लाइट को पूरा का पूरा सेट कर लेना है, फिर एक बार डुप्लीकेट किया इसको लेके गया नीचे, तो ऐसे करके आपको लाइट जहाँ पे भी आप लगाना चाहे जिस भी टाइप से लगाना चाहे उस टाइप से कर लेना है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे लाइटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और कुछ इस टाइप का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट के बहुत सारे लेयर भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जितने भी लाइट नाम के लेयर है इन सारे को लॉन्ग प्रेस करके आपको सिलेक्ट करना है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है और सिलेक्ट होती रहेंगी। तो ये सारे जितने भी लेयर है इनको सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप दिख रहा है आपको, सिंपल ग्रुप पे डालना है, उसके बाद लाइट पे टैप करना है, फिर से रीनेम पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर नेम लिख देना है आपको लाइट, ताकि आपको पता चले कि ये ग्रुप जो है लाइट की ग्रुप है, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पर दो ग्रुप हो चुकी है, आप चाहे तो करना, आप नहीं चाहे तो नहीं करना, ठीक है। अब दोनों ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे, मैं मेरे एनवायरमेंट के हिसाब से जो है इसको रख रहा हूँ, ठीक है, दोनों ग्रुप को कॉपी किया, उसके बाद सिलेक्ट किया। आप अगर चाहते हैं सिटी बड़ा हो तो आप कर लेना, ठीक है, तो मैंने सिटी बड़ा करने के लिए किया है। उसके बाद में जो वाटर है और उसको और लेग जो था उसको डिलीट कर दिया मैंने, और ये लाइट और ये दो ग्रुप को साथ में सिलेक्ट करके मैं पोजीशन इसके अच्छी तरीके से सेट कर रहा हूँ, मतलब रोटेट कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप से रख रहा हूँ। आप भी आपके अकॉर्डिंग आप किस टाइप का सीन बनाना चाहते हो उस अकॉर्डिंग इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना, ठीक है। कैसा आपकी वीडियो में आपकी सिटी देखनी होगी, देखनी चाहिए, उस टाइप से आपको यहाँ पर सेट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके थोड़ा सा आगे की साइड लगा देता हूँ, ठीक है, तो अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है एकदम परफेक्ट है। तो कुछ आपको भी इस टाइप से जो है आपको सेटअप कर लेनी है, ठीक है। अभी जो है हमारा लाइटिंग का काम भी ख़त्म हो चुका है और सिटी देखो तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और मैंने कुछ चीज़ें इधर उधर करके कुछ इस टाइप का सिटी कर दिया है, ठीक है। तो अभी ये जो है काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। अब कमी है तो इसमें स्पाइडरमैन की, तो इसको स्पाइडरमैन को भी हम फटाफट से इनपुट कर लेते हैं। हमने प्रीसेट में रखा हुआ है स्पाइडरमैन को, ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि जो बॉक्स है ऊपर उसमें क्लिक करते हो और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाइडरमैन, तो नीचे उसको अमेजिंग स्पाइडरमैन जिसको था उस पर क्लिक करेंगे तो आगे इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनपुट हो गया, ये देखो काफ़ी बड़ा है, ये सिटी से भी बड़ा निकल के आएगा आपके
स्पाइडरमैन जो है, तो अभी इसको छोटा करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले इधर लेके आते हैं, अमेजिंग लाइट बढ़ रहा है, देख रहे हो लाइट इफेक्ट कितनी खूबसूरत बढ़ रही है। छोड़ो अभी, अभी लेके आते हैं फटाफट से इसको इस साइड को ठीक है, जहाँ पे हमें रखना है। आप भी वहाँ पर लेके जाना जहाँ पर आपको रखना है, उसके बाद इसकी जो है ट्रांसफॉर्म उस पर क्लिक करना है, उसके बाद स्किल पे आके तीनों एक्सेस पे आपको 0.1 करना है ठीक है। सिटी को हमने किया था 0.1, इसको भी 0.1 करना, उससे भी आप कम कर सकते हो ठीक है। तो आपको जितना ज़रूरत होगा उतना करना, मेरे को 0.1 इतना ही ज़रूरत है, तो इसलिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। तो उसके बाद में हम इसको रखेंगे यहाँ पर, कहाँ रखा जाए, यहाँ पर पहाड़ के ऊपर या यहाँ पर रख देते ठीक है। तो मैं इसको रखता हूँ इधर इस साइड में। अब लगाते हम इसके ऊपर में टेक्सचर। तो सिंपल आपको स्पाइडरमैन जो है उसको सिलेक्ट करना है ठीक है, उसकी जो बॉडी होगी ना उसको सिलेक्ट करना है। सिंपल उसकी बॉडी को सिलेक्ट करो, मटेरियल पे क्लिक करो। मटेरियल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके आप न्यू मटेरियल क्रिएट कर सकते हो ठीक है। उसके बाद में आपको जो है टेक्सचर का ऑप्शन जो दिख रहा है, सिंपल आपको टेक्सचर के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद में फिर से आपका प्लस के ऊपर में क्लिक करना है, फ़ोन थोड़ा स्लो चलेगा ठीक है। उसके बाद फाइल पे क्लिक कर लीजिए, और जहाँ से आपने अमेजिंग स्पाइडर को इनपुट किया था, मतलब जहाँ पे भी आपने रखे हुए इनके टेक्सचर वगैरह ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है सोर्स के अंदर, और टेक्सचर यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्सचर के अंदर, यहाँ पर जो टेक्सचर है उसको मैं यहाँ पर इनपुट कर दूंगा। और ये देख सकते हो आप टेक्सचर जो है लग चुका है हमारा ठीक है, अपना टेक्सचर भी अब यहाँ पर लग चुका है, और स्पाइडरमैन अच्छा खासा दिख रहा है। लेकिन अभी नाइट है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं लगाया, इसलिए पूरा डल सा लग रहा है ठीक है। तो अभी इसकी जो है उसको सिलेक्ट करते हैं, अमेजिंग स्पाइडरमैन के ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, थ्री लाइन पे क्लिक करके एक बार सेव कर लेता हूँ मैं सेफ्टी के लिए, कि ताकि ये प्रोजेक्ट क्रैश हो जाए तो भी हमें कोई दिक्कत ना हो ठीक है। उसके बाद में इसको रोटेट करेंगे, क्योंकि हम इसका स्पाइडरमैन का जो मुँह है ना उसको उस साइड करना चाहते हैं ठीक है। तो हम पिछवाड़ा से रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसीलिए उसको घुमा देंगे ठीक है। स्पाइडरमैन को पूरा घुमा दिया, उसके बाद आप पोजीशन एकदम सही कर लेते हैं। पैर जो है ज़मीन के अंदर नहीं धंसना चाहिए, ज़मीन के बाहर ही होने चाहिए, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर रख लेंगे ठीक है। तो आप भी अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप किस टाइप का करना चाहते हो ठीक है वीडियो में, उस अकॉर्डिंग आपको अच्छे से एकदम पोजिशन वगैरह सेट करनी है, रोटेशन करना है ठीक है। अब सिंपल रोटेट करके आगे की साइड आते हो, और जो है हैंड साइड करके रखा हुआ है तो इसको डाउन करते हैं ठीक है। अभी इस वाले बोन्स को क्लिक करते हो और घुमा के डाउन करते हैं, की फ्रेम का यूज़ करते हुए आप एनिमेशन भी कर सकते हो। एनिमेशन के बारे में मैंने फुल डिटेल वीडियो भी बनाया, आप जाके देख भी सकते हो ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं कोई भी एनिमेशन नहीं दे रहा हूँ, बस इसकी पोजिशन सेट करके बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, कोई भी एनिमेशन ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब अगर आप चाहे तो एनिमेशन ऐड कर सकते हैं ठीक है। तो सारे बोन्स को लिया और उसको रोटेट करके डाउन कर दिया ठीक है। अभी देखो ये डाउन हो चुका है, और ये हैंड जो है काफ़ी आगे की तरफ लग रही है, तो थोड़ी सी पीछे की तरफ करेंगे। और मैंने एकदम सिंपल सा पोजिशन दिया है कि जैसे बंदा खड़ा रहता है, खड़ा वो सही पोजिशन कर दिया ठीक है। आप चाहो तो अलग कर सकते हो और एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो, बेहतर होगा आप एनिमेशन भी करें। मैंने एनिमेशन के ऊपर फुल डिटेली वीडियो भी बना के रखा हुआ है, अपने चैनल पे जाके आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो एक बार ठीक है। तो अभी देखो पोजीशन भी सही हो चुका है, लेकिन इस स्पाइडर को ना मुझे यहाँ नहीं रखना है, मैं इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूँ ठीक है। तो इसको यहाँ से ले जाती इस पहाड़ के ऊपर में, तो आपको भी इसको जहाँ पर रखना होगा वहाँ पर लेके लगाना ठीक है। आपको जहाँ पर भी आप चाहते हो इसको रखनी वहाँ पर आप रख देना ठीक है। तो यहाँ पर लेके इस पहाड़ के ऊपर रखता हूँ, और जो है हवा में खड़ा हुआ है तो बंदा इसको ज़मीन में अच्छे तरीके से खड़ा करेंगे ठीक है। रुको इसको थोड़ा रोटेट करते इस साइड को, क्योंकि एकदम सही एंगल से हो, और थोड़ा सा लेके आते इस साइड को, इस साइड को थोड़ा सा लेने के बाद रुको देखने दो, इसको थोड़ा नीचे भी करेंगे ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मुझे जो है पोजीशन इसकी काफ़ी हद तक सही लग रहा है, तो आपको भी इस टाइप से करके पोजीशन दे देनी है, पोजीशन रख लेना है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो अभी मेरा जो पोजीशन है वो परफेक्टली सेट हो चुका है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन लाइटिंग नहीं है तो इसलिए पूरा डल सा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि लाइटिंग नहीं है कैरेक्टर के ऊपर, इसलिए डल लग रहा है। तो मैं आपको अगर रेंडर व्यू के अंदर जाके दिखाऊं, जैसे कि डे करके दिखाऊं, मैंने नाइट करके रखा हुआ है वहाँ पर, मैं अगर आपको डे करके दिखाऊं तो ये अच्छा ही लगेगा, मगर अभी नाइट करके रखा हुआ है इसलिए बुरा लग रहा है ठीक है। थ्री लाइन पे क्लिक करो, रेंडर के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद स्क्रॉल करके लाइटिंग पे जाओ, और एक बार इसको डे करके देखते हैं ठीक है। डे करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है स्पाइडर, जो कि एकदम ब्राइट है ठीक है। अभी रेंडर पे जाता हूँ मैं फिर से, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके इसको नाइट कर देता हूँ ठीक है। नाइट कर देते हैं, अभी क्या करते हैं कि कैरेक्टर के ऊपर में लाइट सेट करना है ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही होती है एनिमेशन के अंदर, कि आप सबसे ज़्यादा अच्छे से लाइट को यूज़ करो तो उतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा अपना बनाया हुआ चीज़।
तो हमने यहाँ पर एक लाइट ऐड कर लिया, और इस लाइट को पीछे खिसके लेके आएंगे, ठीक है, पीछे लेके आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लेके आने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, कैरेक्टर के थोड़ा सा पास में करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी इंटेंसिटी आप देख सकते हो, इंटेंसिटी को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे, आप भी थोड़ा सा अपने ज़रूरत के हिसाब से इंक्रीज़ कर लेना। उसके बाद रेंज है, रेंज के ये दो एरो है ना, इन एरो पे टैप करके रखना है, तो ये साइज़ बड़ा छोटा होगा, ठीक है। ऊपर वाला एरो से बड़ा होता है तो बड़ा कर देते हैं, कुछ इतना बड़ा कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लेग भी सकते हो, ठीक है, मैं 50 रख रहा हूँ, तो आप 50 डायरेक्ट लेग भी सकते हो इस टाइप से। तो अभी जो है इसकी इंटेंसिटी जो है थोड़ी सी उसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अभी आप देखो हल्का हल्का करके कैरेक्टर पर लाइट पड़ना चालू हो चुकी है, देखो अभी अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कैरेक्टर पर जो है लाइट पड़ रही है। तो ऐसे में 2-3 लाइट लगाऊंगा, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से लगाऊंगा। आगे मेरी सिटी के आगे लाइट है तो आगे से भी एक लाइट आना चाहिए, ठीक है, आगे से भी एक लाइट लगाएंगे, क्योंकि एजेस जो होती है ना कैरेक्टर के, उस एजेस पे लाइट इफेक्ट आए, ठीक है, इसलिए आगे की साइड भी हम लाइट को लगाएंगे। एक लाइट को मैंने इसी को कॉपी किया है, उसके बाद आगे कर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सॉल्व कर लूँगा। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं जो है लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पर आप देखो डंड है, अब एक बार थी लाइन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं, ताकि हमारा प्रोजेक्ट क्रैश हो जाए तब भी हमें कोई मुश्किल झेलना ना पड़े, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पर सब कुछ रेडी है, अभी हमें कैमरा लगा के इसको कैमरा लगा के रेंडर करना ही बाकी रह गया है, ठीक है। अब और तो सारा कुछ जो है यहाँ पर आप रेडी है, और देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि इस हैंड की पोजिशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस पर टैप करो, इसको थोड़ा सा रोटेट करो, और इसको भी रोटेट करते हैं, ये भी मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा पीछे कर देते हैं। उसके बाद में कैरेक्टर को भी थोड़ा सा घुमाएंगे, ठीक है, रुको, इस हैंड को पहले करते हैं नीचे, इसको कुछ इतना कर देते। उसके बाद अपना जो कैरेक्टर है इसको भी थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं स्पाइडरमैन को, और इसको थोड़ा सा घुमाते, घूम जा भाई, रुको, थोड़ा सा इसको घुमाते, फ़ोन थोड़ा सा स्लो चलेगा, ठीक है, इतना सारा चीज़ ऐड कर दिया है तो फ़ोन थोड़ा सा स्लो चलेगा, तो आपके भी ऐसा ही होगा, फ़ोन थोड़ा स्लो चलेगा। तो आपको जो है एडिटर क्वालिटी इसकी मिलती है, जो सेटिंग पे जाके उसको लो करके रखना है, ठीक है, तो लैग नहीं करेगा, वरना थोड़ा सा लैग ही चलेगा। आप देख सकते हैं मेरा भी अभी लैग चल रहा है। तो अभी यहाँ पर देखो सारी चीज़ परफेक्ट है, अब कैमरा लगा के इसको रेंडर करना बाकी रह गया, और पीछे बैकग्राउंड लगाना बाकी रह गया, ठीक है। अभी पीछे बैकग्राउंड लगाएंगे, मस्त सा सिटी का एक बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर सिटी तो जो है काफ़ी कमाल लग रहा है, स्पाइडरमैन भी काफ़ी कमाल लग रहा है, ठीक है। पीछे आपको मेरा सजेशन ये है कि आप पीछे बैकग्राउंड की जगह में ग्रीन स्क्रीन यूज़ करना, ठीक है। तो मैं टेस्ट के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड यूज़ किया था, तो आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ करना। अभी कहाँ से यूज़ करना है बैकग्राउंड को भी बताऊँगा। थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट क्रैश होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो थ्री लाइन पे क्लिक करके एक बार सेव कर लेते हैं, और यहाँ से आप चले जाएंगे सीधा बैक। बैग आने के बाद आपने फ़ोन के गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोल लेंगे, या फिर गूगल को खोल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर में सर्च करेंगे नाइट सिटी लिख के, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिटी नाइट लिख दीजिए, या फिर नाइट सिटी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूँ सिटी नाइट। उसके बाद सर्च कर लेंगे, ठीक है, सिटी नाइट फ़ोटो, उसके बाद सर्च कर देंगे, इसको किया सर्च। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट की, वो भी RGB लाइट के साथ में काफ़ी सारी सिटी मिल जाएंगे। तो आपको इनमें से जो भी सिटी पसंद आता है, जो भी सिटी पसंद आए उसको आपको सिंपल डाउनलोड कर लेनी है यहाँ से, ठीक है। तो फोटो पे टैप करके रखना, उसके बाद डाउनलोड बटन दिखाएगा, आपको डाउनलोड करना है। ऐसे करके आप बहुत सारे फ़ोटोज़ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं 2-3 फ़ोटोज़ यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। अब सारी फ़ोटो डाउनलोड हो जाने के बाद फिर से हम चले जाएंगे प्रिज्मा 3D के अंदर, अपने सीन के अंदर, ठीक है। तो इस सीन के अंदर आ जाना है आपको। उसके बाद में आपको अभी यहाँ पर सब कुछ तो हो चुका है पीछे बैकग्राउंड लगाने के लिए, क्यूब पे जाके एक स्पीयर को ले लेना है, स्पीयर को लेना। उसके बाद में इतना बड़ा करना है कि स्पीयर को ये पूरा का पूरा जितना भी हमने सीन बनाया है ये पूरा का पूरा सीन इसके अंदर समा जाए, ठीक है। अभी मैंने रेड एक्सेस से इसको बड़ा कर दिया, अभी ब्लू एक्सेस से भी बड़ा कर रहा हूँ, और ग्रीन एक्सेस से भी हम इसको बढ़ाएंगे साइज़, और इसको इतना बड़ा करो कि ये
पूरा का पूरा हमारा सिटी जो भी है सारा चीज इसके अंदर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इतना करते, उसके बाद में इस पर टेक्सचर लगाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर अंदर जाके देख लेते हैं एक बार, अंदर परफेक्टली दिख रहा है, ठीक है। तो पीछे जो है आपको टेक्सचर में ग्रीन स्क्रीन ही लगाना, ठीक है। मैं मटेरियल पे जाके, यहाँ पर टेक्सचर पे जाके मैं जो फोटो है फोटो लगा रहा हूँ। इतना बड़ा कि स्पीयर है तो फोटो भी इतना ही बड़ा आएगा, इसीलिए जो है काफ़ी नकली सा फील देगा, ठीक है। जो ये फोटोज़ है ना ये काफ़ी नकली लगेंगे। देखो मैं बता ही रहा था कि नकली लगेंगे, लेकिन मैं टेस्ट करने के लिए सब किया था, ठीक है। आप पीछे सीधा सीधा ग्रीन स्क्रीन कर देना, क्योंकि बाद में आप वहाँ पर फोटो और भी लगा सकते हो। किसी भी वीडियो एडिट एप्लीकेशन पे जाके फोटोज़ का आप यूज करते हुए वहाँ पर अच्छे खासे सीन बना सकते हो, ठीक है। इसलिए पीछे ग्रीन स्क्रीन ही यूज़ करना। मैं बाद में ग्रीन स्क्रीन करके भी रेंडर करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड मुझे ब्लर करना है और जो पीछे फोटो है ना वो पूरा का पूरा नकली लग रहा है, इतना ज़्यादा ब्लर तो हो ही नहीं सकता भाई। तो अभी देखो यहाँ पर सब कुछ रेडी है, ठीक है। अभी हमें जो है क्यूब के ऊपर में क्लिक करना है और कैमरे के ऊपर में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में कैमरा आ जाएगा। कैमरा आने के बाद एक बार थ्री लाइन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद में आपको कैमरा पे टैप करना है और जंप इन आएगा तो उसको टैप करना है, जंप इन पे जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा व्यू, यहाँ पर आपको 20 रखना है, ठीक है। फील्ड ऑफ कैमरा व्यू जहाँ पे लिखा है वहाँ पर आपको 20 करना, क्योंकि इसमें जो है ना काफ़ी अच्छी रेंडर होती है। तो मेक श्योर आप भी यही रखना, मैं भी यही रख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसको 20 कर लिया और यहाँ पर आप भी कैमरा एंगल को जो है परफेक्टली सेट कर लेंगे, ठीक है। किस टाइप से आप दिखाना चाहते हो, आपकी सीन किस टाइप से दिखाना चाहते हो, जैसे कि मैं जूम करके जो ये स्पाइडर का पीठ पे बना हुआ है ना लोगो, उस स्पाइडर को दिखा के जूम आउट करना चाहता हूँ सीन को, तो मैं पूरा इतना जूम कर लूँगा, ठीक है। इतना यहाँ तक मैं जूम करके आ गया। उसके बाद में जाएंगे अब एनिमेशन पे ऊपर। आप देखो एनिमेशन है तो सिंपल आपको एनिमेशन पे टैप करना है और यहाँ पर जीरो पे जो है आपको की को लॉक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करके आपको की को कर देना है लॉक। उसके बाद में आपको चले जाना है 200 तक। अगर आप 100 पे जाओगे तो मेक श्योर आपकी वीडियो 3 सेकेंड की होगी, अगर आप 200 पे जाओगे तो आपकी वीडियो 6 सेकेंड से लेके 7 सेकेंड तक की होगी, ठीक है। तो इसीलिए 200 तक चले जाते हैं। और 200 पे जाने के बाद रुको, तो यहाँ पर जो है मैं 250 रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 8 सेकंड तक की वीडियो बने। 250 तक जाएंगे, उसके बाद में जो है जूम आउट करेंगे, ठीक है। जूम आउट करते जाएंगे, जूम आउट करते जाएंगे, ऐसे जूम आउट करते जाएंगे, इस टाइप से जो है हमारा एनिमेशन दिखे, ठीक है। पहले वो जूम ही रहा हो और उसके बाद में जूम आउट हो, कुछ इस टाइप से हमारा एनिमेशन दिखे, तो हम ऐसे जूम आउट कर लेते, ठीक है। आप जिस भी टाइप से करना चाहता उस टाइप से कर लेना। और मैंने एनिमेशन के बारे में अच्छे से बता के रखा हुआ है एक वीडियो में, तो आप जाके चैनल पर जरूर से चेकआउट कर लेना। इतना जूम आउट होने के बाद उसके बाद यहाँ पर भी की को लॉक करना है। उसके बाद अभी देखो आप मैं प्ले करके दिखाऊँ तो आपको कुछ एनिमेशन हमारा जो इस टाइप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से अपना एनिमेशन जो है बनके रेडी हो चुका है। अब क्या करना है कि इसको अभी सिंपल आपको रेंडर कर लेनी है, ठीक है। और थ्री लाइन पे क्लिक करके सेव भी करते रहना बार बार, क्योंकि 4Z क्रैश हो जाए तब भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थ्री लाइन पे क्लिक करते और एक बार सेव कर लेते, ठीक है। उसके बाद में सिंपल थ्री लाइन पे क्लिक करके रेंडर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, 1080p है तो रेंडर कर देंगे, ठीक है। सिंपल अभी यहाँ पर हमने रेंडर पे लगा दिया और ये रेंडर हो जाएगा कुछ देर में। यहाँ पर आप देख सकते हो 260 इमेजेस यहाँ पर रेंडर हो रहे हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमारा रेंडर जो है कंप्लीट होने वाला है, तो इस पर टाइम लगता है, थोड़ा टाइम देना। उसके बाद रेंडर होने के बाद सेव टू गैलरी कर लेना, ये आपके गैलरी पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए आपको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके इसको रेंडर करने पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको स्पाइडर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसकी जो है लेयर उस पर टैप करना है। उसके बाद हाइड आएगा यहाँ पर, तो हाइड कर देना है, ठीक है। अब स्पाइडर को हाइड कर दिया, उसके बाद थ्री लाइन पे क्लिक करो, रेंडर पे क्लिक करो और वाटरमार्क रिमूव करके यहाँ पर एक बार सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड को ही रेंडर करो, ठीक है। जो ये बैकग्राउंड है सिर्फ और सिर्फ इसको रेंडर करो बिना स्पाइडर के। तो इसको रेंडर होने देते हैं यहाँ पर, ये रेंडर जब हो जाएगा उसके बाद में इन सारे को हाइड करके सिर्फ स्पाइडर को रेंडर करेंगे ग्रीन स्क्रीन के साथ में। उसके बाद हम बाकी जो वीडियो एडिटर ऐप होते हैं उन पे जाके हम उसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये बैकग्राउंड है ये रेंडर हो चुका है, उसके बाद में अब क्या करना है आपको स्पाइडरमैन को जो है इनेबल करना है और सारे को हाइड कर देना है, ठीक है। अभी जैसे कि ये जी लिखा हुआ है इसको मैं करता हूँ हाइड, और यहाँ पर स्पीयर है इसको भी हाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये जो लाइट है, ये वाली लाइट, ये दो लाइट और ये जीजी, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्पीयर को सिलेक्ट करना है और हाइड कर देना है, ठीक है।
सिंपल आपको हाइट पे क्लिक करना है, ये सारे चीज़ें हाइट हो जाएंगे। उसके बाद स्पाइडर जो है उसको इनेबल करना है, और आपका स्पाइडर ना दिखे और सिर्फ ये बोन मत सिर्फ बोन दिखे तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा अक्सर होता रहता है ठीक है। तो ये बोन ही दिख रहा है सिर्फ, अब यहाँ पर स्पाइडर नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि सारे जितने भी आपने हाइट किया ना इन सारे को इनेबल कर दीजिए। उसके बाद थ्री लाइन पर क्लिक कर लीजिए एक बार ठीक है। तो सारे स्पेयर को भी मैं इनेबल कर लेता हूँ, सबको यहाँ पर अनहाइट कर दिया। उसके बाद आपको सिंपल थ्री लाइन पे क्लिक करना है, थ्री लाइन पे आपको टैप करना है यहाँ पर। अब फोन काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है ठीक है, अब थ्री लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद एक बार आपको सेव पे टैप करना है ठीक है, सेव कर लेना है। उसके बाद होम पे टैप करना है ठीक है, होम पे चले जाना है ठीक है, अभी होम पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में आप कॉर्नर में देखो सेटिंग दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एडिटर क्वालिटी जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको जो है आपको लो पे सेट करना है ठीक है। ये हाई पे है इसलिए आपका फ़ोन हैंग कर रहा है, अगर आप इसको लो करेंगे तो आपका फ़ोन हैंग भी नहीं करेगा और जो स्पाइडर नहीं दिख रहा था वो भी इशू नहीं होगा ठीक है। तो उस पर टैप करना है, लो कर देना है, इसको मैंने कर दिया लो। अब उसके बाद फिर से चले जाते हैं अपने सीन के ऊपर में। अब ये यहाँ पर आपके सीन के ऊपर में जाने के बाद थोड़ी देर लेट होगा, उसके बाद में आपका जो है सीन यहाँ पर ओपन हो जाएगा ठीक है। अब जूम आउट कर लेना, आप जूम आउट करके जो है आपके सीन के अंदर जाना, या फिर कैमरा पे सीधा जंप इन करके कैमरा एंगल के अंदर जा सकते हो ठीक है। अभी यहाँ पर देखो तो स्पाइडर दिख रहा है मगर लाइट नहीं दिख रहा है ठीक है, क्योंकि हमने लो किया है इसलिए लाइट नहीं दिख रहा। अभी थ्री लाइन पर क्लिक करो, रेंडर पर जैसे आप जाओगे तो आपको जो है लाइट दिखना चालू हो जाएंगी ठीक है। अभी देखो यहाँ पर स्पाइडर दिख रहा है, बैकग्राउंड सब चीज़ यहाँ पर हमारा दिख रहा है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको जो है इन और सारे चीज़ों को हाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ कैमरा और स्पाइडर को छोड़ के ठीक है। तो अब क्या करें, एनिमेशन पे भी जाके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप देख लीजिए यहाँ पर सब चीज़ जो है परफेक्ट है। अब जी लिखा जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, और ये लाइट जो लाइट है ना, ये लाइट दो लेयर सिलेक्ट करेंगे, स्पीयर सिलेक्ट करेंगे, इन तीन चीज़ों चार चीज़ को हाइड कर देंगे और बाकी चीज़ों को छोड़ेंगे ठीक है। कैरेक्टर के ऊपर में जो लाइट है उसको भी छोड़ेंगे, कैमरा को भी छोड़ देंगे और एक क्यूब को ऐड कर लेंगे ठीक है। यहाँ पर एक क्यूब और ऐड कर लिया मैंने, क्यूब को ऐड करने के बाद इस क्यूब को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं। यहाँ पर आगे लेके आने के बाद इस क्यूब को जो है बड़ा करना है एकदम ठीक है, इस पर बड़ा करके ग्रीन कलर ऐड करना है हमें, एज ए ग्रीन स्क्रीन समझ लो ठीक है। तो इसको करते एकदम बड़ा, यहाँ से भी आप बड़ा कर लेते हैं, एकदम बड़ा कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद मटेरियल पे जाएंगे, उसके बाद सिंपल न्यू मटेरियल टैप करके उसके बाद कलर पे चले जाएंगे ठीक है। तो सिंपल आपको चले जाना है यहाँ पर कलर के ऊपर में, कलर के ऊपर में जाने के बाद इस एरो पे टैप कर लीजिए, आप एरो दिखाई दे रहा जो एरो उस पर टैप करना है। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर परफेक्ट ग्रीन कलर सेट करनी है ठीक है। तो सिंपल ग्रीन पे चलते हैं, ग्रीन कर देते, पूरा ग्रीन कर लेंगे, एकदम परफेक्टली ग्रीन करना, क्योंकि बाद में जब हम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाके ग्रीन स्क्रीन रिमूव करें तो हमें दिक्कत ना आए ठीक है। तो एकदम परफेक्टली हमने यहाँ पर ग्रीन कर दिया। उसके बाद कैमरा एंगल पे जंप इन कर लेंगे और एनिमेशन पे जाना है आपको, एनिमेशन पे जाना है, एनिमेशन स्टार्ट करना है, ये जहाँ पे था वहीं पर आ जाएगा ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अब सारा चीज़ परफेक्ट है। अब इसको रेंडर कर लीजिए और वीडियो किसी भी वीडियो एडिट सॉफ्टवेयर पे जाके उसको मर्ज कर लीजिए, कलर ग्रेडिंग करना है, थोड़ा सा लाइटिंग करना है ठीक है। अभी रेंडर पे जाते हैं, वाटरमार्क रिमूव करके यहाँ पर रेंडर कर देते हैं। और ये वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी बन चुकी है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ठीक है, दो पार्ट किया है इसकी। ये है पार्ट वन जो कि आपने आज देख लिया, आई होप कि आपको ये वीडियो में जो है सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो भी कमेंट कर देना, और पार्ट टू देखने के लिए चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना, साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लेना है, ताकि मैं जब भी पार्ट टू अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए ठीक है। तो अभी ये रेंडर हो चुका है, इसको सेव कर दीजिए, पार्ट टू में